मुझे देखिए, मुझे गौर से देखिए, देखिए उनको कैसा दिखता हूँ। बिल्कुल भद्दा शक्ल है मेरा, एकदम बदसूरत जैसा। क्या हूँ, बाल देखिए उठने के कगार पे, सारी मूछ एकदम बढ़ा हुआ है। शक्ल बिल्कुल देखिए कैसा दिखता हूँ, एकदम बदसूरत। पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं कैसा भी दिखता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है? किस लिए आपको शर्म आता है अपने दिखने पर? हाँ, आपके माँ बाप को इससे प्रॉब्लम, आपके भाई बहन को इससे प्रॉब्लम, आपके दोस्तों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांधी जी इस दुनिया में अपने शक्ल की वजह से नहीं जाने जाते, अपने काम की वजह से जाने जाते। इस दुनिया में गांधी जी को मिस बॉय या मिस मिस्टर बॉय और मिस्टर मैन का अवार्ड नहीं मिला था। नेल्सन मंडेला को मिस्टर बॉय, मिस्टर मैन या पर्सनालिटी या मिस्ट हैंडसम मैन, बेस्ट सेक्सिस्ट मैन, ऐसा कुछ अवार्ड उनको नहीं मिला था। नेल्सन मंडेला को अपने कामों के लिए जाना जाता है, गांधी जी को अपने कामों के लिए जाना जाता है। गांधी जी कैसे दिखते थे? वो कोई शाहरुख खान तो नहीं दिखते थे, पर आज पूरी दुनिया में आइकन है, सदियों से आइकन है, 100 साल से ऊपर हो चुका है, और आज भी पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रहा है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक लोग उनको फॉलो करेंगे। नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, आप उनको देखिए लोग कैसे दिखते थे। इट्स ऑल अबाउट योर कैरेक्टर, चरित्र, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस। आप इस बात को याद कर लीजिए, गांठ बांध दीजिए, आपका जो काम है वो बोलेगा, आप जो करते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क विच यू आर गोइंग टू डू, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने समय तक याद रखे जाते हो या क्या इंपॉर्टेंस है आपका अपने क्लोज वंस के लाइफ में। याद रखिए, मैं कैसा दिखता हूँ इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्टीफन हॉकिंस, आप जानते हैं कि व्हील चेयर पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, स्टीफन हॉकिंस, और आप उनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में आप जानते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं। याद रखिए, गांधी जी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, सुकरात, आपको पता है ना कितने महान फिलोसफर थे, और शायद वो खुद ही कहते हैं कि शायद दुनिया के महान मतलब सबसे बदसूरत लोगों में से एक थे। हमको पता है गैलीलियो कैसे दिखते थे, हमको पता है अरस्तु कैसे दिखते थे, इट नेवर मैटर्स। हमको फ़र्क पड़ता है मोदी जी कैसे दिखते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनका काम हम देखते हैं, उनके काम से हम इंस्पायर होते हैं, उनका काम हमको मोटिवेट करता है, वो बताता है कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बिल्कुल इस बात पर शर्म मत कीजिएगा आप कैसे दिखते हैं, लोग आपको क्या समझते हैं, लोगों की आपके बारे में क्या राय है, या आप कुछ कीजिएगा तो लोगों का उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा। सही कीजिए, सही फोकस्ड रहिए, सही काम के लिए अपने को डिवोट कीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी को उसके लिए लगा दीजिए जो आपको सही लगता है। सर्टेन प्रिंसिपल्स बनाइए, उस प्रिंसिपल्स को ज़िंदगी पर फॉलो कीजिए, सच के लिए लड़िए, सही के लिए लड़िए, किसी की मदद कीजिए, प्रेम बांटिए, प्रेम पाइएगा, अच्छे कामों में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, सोशल वर्क, किसी की मदद कीजिए ताकि ज़िंदगी में याद किए जाएँ, ताकि किसी की दुआ पाएँ। सकल सूरत से क्या होता है, किसी सड़क पर पड़े हुए आदमी को आपके सकल से मतलब नहीं होता, बल्कि आप जो हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। आप जो किसी की मदद करते हैं उससे उसके ज़िंदगी में चेंज आता है, आपके शक्ल से उसके ज़िंदगी में कोई खास चेंज नहीं होने वाला। इससे बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सोच है, इससे ज़िंदगी में कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। आपका कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, आप क्या करते हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, अपने भाई बहन के लिए क्या करते हैं, अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए क्या करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ज़िंदगी इसी बात पर बेसिस बनाइए कि हमको अपने लोगों के लिए जीना है, अपने लोगों के लिए करना है, और इन सब चीज़ों में आपका शक्ल सूरत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए, तो इन सब चीज़ों से अगर आपके पास भगवान ने आपको दिया है बहुत, तो उससे कॉन्फिडेंट हुई, और अगर नहीं दिया है तो उससे कॉन्फिडेंट नहीं होने का इशू नहीं है। इससे अपने को टूट जाने का डर नहीं है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे। भगवान ने जो दिया है उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत कुछ है करने के लिए, और जो कर सकते हो सब कुछ करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो आप जो भी सोसाइटी के लिए, मानव जाति के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जहाँ भी जैसे भी मौका मिले उसको लगा दीजिए, अगले से अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए आइडियल बनिए, अच्छा बनिए, ताकि उनको आप पे सब नहीं गर्व महसूस हो, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए। इस बेसिस पे अपने को डेवलप कीजिए, तब जाके आप मेरे अनुसार बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए, आप जैसा कोई नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, अंटिल यू डू नॉट लव योर सेल्फ नो वन इज़ गोइंग टू लव यू। यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू हैव टू ब्रिंग रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि इफ़ यू डू नॉट ब्रिंग रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ नो वन इज़ गोइंग टू गिव यू एनी रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिवोशन, हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए लगाना चाहते हैं। इस धरती पर आपका जन्म इसलिए हुआ ताकि आप किसी के लिए कुछ कर सकें, इसलिए नहीं कि बस साबुन क्रीम और सूट बूट पहन के बस ये दिखा रहे हैं, जबकि आपकी क्वालिटी नहीं है। आपका नॉलेज डिफेंस क्रिएट करता है, आपका एक्सपीरियंस आपका डिफेंस क्रिएट करता है। काम कीजिए, काम, इन्वॉल्व विथ योर वर्क, गिव 100% टू योर जॉब, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, दिस विल डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स पीपल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, दिस इज गोइंग टू लाइट इन योर पाथ
एंड दिस इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू फॉर होल इंटायर लाइफ कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर अदर्स। गांधी जी का वो जंतर मंतर आपको याद होगा कि आप हमेशा अपने कर्म को अपने दिमाग में सोचिए, क्या वो आखिरी आदमी का आखिरी पायदान तक उससे उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। ये सबसे बेस्ट है। अगर आप बहुत कमज़ोर हो चुके और हार चुके तो आप सोचिए क्या आपके उस काम से उस आखिरी आदमी पर आखिरी पायदान पर पड़े उस आदमी की ज़िंदगी को चेंज आ रहा है। अगर आ रहा है तो कर दीजिए, और अगर नहीं लगता है तो पीछे हट जाए। तो गांधी जी का जंतर मंतर 100 साल से लगभग प्रासंगिक है और जब तक धरती रहेगा एकदम प्रासंगिक। अप्लाई करके देखिए। पर्पस होना चाहिए आपके पास, गोल होना चाहिए दूसरों के लिए, तब जाके आपकी ज़िंदगी में मतलब बनेगा। ये रंग रूप अच्छा दिखना, क्योंकि 10 साल 15 साल का तो ये लाइफ ही, 40 45 के बाद फिर आपके इस रंग रूप को कौन पूछने वाला है। आपका हर समय आपके साथ आपका काम होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, जो चीज़ आपने अचीव किया है, जो सक्सेस आपने अपनी ज़िंदगी में पाया है, ये आपको भी मोटिवेट करता है और आपके आसपास के लोगों को भी डिफरेंट, यही आपको भी डिफरेंशिएट करता है। और इस भीड़ में आप तभी जाने जाएंगे, अपने काम के द्वारा जाने जाएंगे। याद रखिए, इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा दिन नहीं दुनिया में जाने जा सकते। याद रखिए, अपने काम को सुधारिए, डिवोट कीजिए सोशल इशूज पे, लोगों की मदद कीजिए, जो कर सकते हैं हर जगह इन्वॉल्व कीजिए। रोड पे खड़े जिन लोगों की आपको लगता है मदद है तो अभी हाथ बढ़ाइए, कल मत सोचिए। जिसको जहाँ जितना मदद हो सकता है 10 रुपये कमाइए, 12 रुपये बांटिए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है, आज जो दुआ पा लेंगे फिर आपको नहीं मिलेगा। जिंदगी हमेशा दूसरों के लिए, अपनी कभी मत सोचिए कि मेरे लिए क्या है। हमेशा बिल्कुल सेल्फलेस बनिए, पर्सनल चीज़ों को कभी स्पेस नहीं दीजिए कि मैं खुद के लिए, मत लालची मत बनिए। अपना जो भी कुछ है दूसरों के लिए डिवोट कीजिए, एकदम दिल खोल दीजिए। जितना प्यार बांटिएगा उतना प्यार पाइएगा। ये ज़िंदगी का प्रिंसिपल रखिए, सबके प्रति प्यार, एकदम जितना प्यार बांटिएगा उतना ही प्यार पाइएगा। ये सब चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी मोटिवेट करने वाली, इंस्पायर करने वाली। याद रख लीजिए इन बातों, गांठ बांध लीजिए। ये गांधी जी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, ये लोग अपनी शक्ल की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से। आप भी अपना काम सुधारिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए डिवोट कर दीजिए और देखिए कि आपका ज़िंदगी कितना ज़बरदस्त हो जाता है। आप कितने कॉन्फिडेंट, कितने मोटिवेटेड हो जाते हैं, हर समय आपको कितना अच्छा लगता है, कितना पॉजिटिव हो जाता है, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, आपके फैमिली में खुशी कितना आ जाती है, आपके बच्चे आपसे कितना इंस्पायर्ड होते हैं, आपके भाई बहन माँ बाप सबको आप कितने अच्छे लगने लगते हैं। आप करके देखिए, देखिए कितना चेंज आता है इसकी वजह से। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ़ यू वॉन्ट टू कमेंट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर यू कमेंट्स। थैंक्स।